ये मेरी आईसी है, ये है BGA 153, और चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे हमारे JTAG में। तो चलिए इसका ये हमारा बॉक्स है JTAG का, मैं ये अडेप्टर है हमारा, और जिधर आपकी कौन कौन सी आईसी कनेक्ट होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चलिए आप इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, इधर ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जब ये हम कनेक्ट करेंगे तो ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ से चेक EMC, आप थोड़ा इसको नोटिस कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको मैं इंटरफेस भी दिखा दूँ। मैं बस चेक EMC करता हूँ सॉकेट के साथ। तो देखिए ग्रीन लाइट जल गई, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो मेरा ब्रांड है STC है, और जो मेरा IC लगा हुआ है वो MSM8916 लगा हुआ है, और फर्मवेयर डेट है, और इसमें तो सारी चीज़ है इसमें। आप देख जैसे कि पार्टीशन भी आपको शो हो रहा है डाटा पर, और डाटा के पास जाने पर हम गए मीडिया पर, और मीडिया के पास आपके पास एक फोल्डर आ रहा है 0 करके, आपको उसको डबल टिक करना है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर आपको DCIM का फोल्डर मिल गया है, आप इसको डबल टिक कीजिएगा, और देखिए यहाँ पर ये फोटोज आ गई हैं। तो UEFI EMC का जो टूल है वो ओपन हो चुका है, और इसका ये जो अडेप्टर है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसमें यहाँ पे दो ICO का आपको दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ 153 और एक दिया हुआ है 162, और 153 में जैसे कि दो ICO आते हैं आपको पता है, BGA 153 एंड 169, और एक आती है 162 और 186। अब मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी EMC करता हूँ, तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ लाइट जल चुकी है, हमेशा नोटिस करें यहाँ पर। और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए CPU रिकॉल करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम कब घर पे जाएंगे सर, और कब अपने जो डेड मोबाइल पड़े हैं उनको रिपेयर करेंगे और प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। EasyJTAG और UEFI सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, और आज मैं आपको एक खास वीडियो दिखा रहा हूं। मेरे पास मेरा एक दोस्त का फ़ोन है, और एक्चुअली मेरा खास मित्र है, और एक ही मित्र है मेरा, और ये उसका फ़ोन है STC का 826। मैं आपको यहां दिखा देता हूं। सो ये STC का 826 फ़ोन है, इसमें वो पूरी तरीके से उसको तोड़ चुका है, और रीज़न ये उसका तो गुस्सा उस्सा जो भी होगा, और जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखिए आपको ये देखिए डिस्प्ले आपको निकला हुआ दिखाई देगा इसका, और काफ़ी हद तक इसको वो पटक चुका है, और गुस्सा उसका निकल चुका है क्या और वो गुस्सा निकल जाने के बाद उसको काफ़ी रिग्रेट महसूस हुआ, क्योंकि गुस्से से तो आपको पता ही है कुछ होता नहीं है, अपना नुकसान होता है। तो इसका भी उसने वही नुकसान कराया, काफ़ी डैमेज किया है इंटरनली इसने इसको, और ये हम चालू भी कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी ICs स्वैप करनी पड़ेगी। खैर तो ये अभी मसला जो है ये डेड रिकवरी का है, तो उसको अपना डाटा चाहिए, वो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उस प्रोफेशन का इसमें डाटा रखा है, और वो काफ़ी परेशान हो गया उसके पास तो डाटा का। तो आपके पास भी ऐसे कभी आपके पास भी काफ़ी मसले आते होंगे कि डाटा रिकवरी कैसे करें। बहुत से लोग सोचते होंगे कि डाटा रिकवरी करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, यूट्यूब में वीडियो भी डले हैं, पर बहुत हद तक उसको इतने अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है। सो मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखे इस पर, और मैंने सोचा कि चलो इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए ताकि आपको A to Z समझाया जाए, और मैं आपको समझाऊंगा UEFI से, मैं आपको समझाऊंगा UEFI प्लस, मैं आपको समझाऊंगा JTAG प्लस। तो मैंने दोस्तों सोचा कि चलो ये डाटा रिकवरी भी हो जाएगा, और एक UEFI प्लस JTAG दोनों से मैं डाटा रिकवरी कैसे करूं, कि सपोज़ अगर आपके बाद में आती है तो इसमें हमें कुछ दोनों टूल्स का ज्ञान हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मैं हूं देवरत्न अग्रवाल, चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली मैंने दो कैमरे लगा के रखे हैं कैमरे, ताकि मेरे को फोकस करे करते हुए, नहीं तो लोग लेंगे लोग सर कि ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो सारी चीज़ें। और एक कैमरा मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है ऊपर, ताकि आप ऊपर देखते रहें यहाँ पर। चलिए आई होप कि आपको दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन, यहाँ पर ये मैंने सेट कर दिया है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर।
तो हम बात करेंगे डाटा रिकवरी की। ये ऑलरेडी पीसीबी कहीं और से सेट है, तो अभी हम इस फोन को अभी हम इस फोन को ओपन करने वाले हैं दोस्तों। सो इस फोन को ओपन कर लेते हैं सही तरीके से। तो चलिए, तो स्क्रू ओपन कर लेते हैं हम। दोस्तों अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप आगे इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने फोन खोला भी नहीं। और जब आप बॉडी को खोल लें तो बॉडी में आप जरूर स्क्रू नोटिस करें कि आपको कहीं पे स्क्रू तो दिखाई नहीं दे रहा है बॉडी में। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बहुत नए नए सीखे होते हैं वो ज़्यादा हद तक उसको ओपन नहीं करते हैं। तो देखिए ये केसिंग ऊपर से हट गई है और यहाँ पे जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा ये एक नेटवर्क सेक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ आपको नेटवर्क सेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग आईसी हैं, ये क्वालकॉम की आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ये जो आईसी आपको यहाँ पर नोटिस हो रही है ये बेसिकली क्वालकॉम की, तो यहाँ पे जो आपको आईसी नोटिस हो रही है ये बेसिकली क्वालकॉम की WTR आईसी है, जो कि है एक नेटवर्क आईसी, RF आईसी है, ये मेन RF आईसी है। तो चलिए बैटरी निकाल लेते हैं। हमेशा स्क्रू या तो एक कटोरा रख लीजिए अपने पास, कटोरी रख लीजिए, या स्क्रू होल्डर टाइप के कुछ चीज़ें आती हैं मार्केट में वो रख लीजिए। कस्टमर के कोई भी सामान को आप ऊपर नीचे मत कीजिए दोस्तों, होता यही है और कुछ लोग करते हैं जिसकी वजह से सारे लोग सुनते हैं टेक्नीशियंस। तो देखिए एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, मैं आपको एक स्क्रू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो अगर मैं पीसीबी बोर्ड डायरेक्ट उठाता तो हो सकता है इसकी वजह से ये डैमेज और हो जाती। हालांकि ये डैमेज है, इस चक्कर में हमको इस पर ऐसा नहीं है कि हमको इसको टूट पड़ना है। तो ये पीसीबी ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों ये पीसीबी ओपन हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ओके, तो चलिए अब मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे आईसीएम। तो यहां पर बेसिकली एक लगी हुई है क्वालकॉम का, आपका सीपीयू लगा हुआ है एमएसएम, तो ये क्वालकॉम का सीपीयू है आपका। दूसरा आपका यहां पर एक रैम लगी हुई है और यहां पे ईएमसी आईसी है। तो इसमें दो आईसी दिखती है, तो बेसिकली कंफ्यूज ना होइए, एक रैम है और एक ईएमसी है। तो ये एसके हाइनेस का इसमें ईएमसी लगा हुआ है, इसके बगल में इसकी पावर आईसी दी हुई है क्वालकॉम की पीएम। तो चलिए इस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ये आईसी को अपन निकालेंगे। आप इस आईसी को, अगर आपका मोबाइल सही है आप इस पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इस पर प्रोटेक्ट लगाइए, प्रोटेक्शन जैसे कि आप सिल्वर टेप का यूज कीजिए
या तो आप यूज कीजिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टेप यूज कीजिए, आप हीट रेजिस्टेंट टेप यूज कर सकते हैं। कैमरे दोस्तों अपने निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हीट करेंगे तो कैमरे आपके खराब हो सकते हैं। तो दो कैमरे लगे हुए इसमें, फ्रंट और आपके बैक कैमरा। मैं आपको एक बार टूल्स बताना चाहता हूँ, तो एक मिनट के लिए मैं वापस फोकस कर लेता हूँ अपनी ओर। तो दोस्तों एक बार मैं चालू करने से पहले टूल्स बताना चाहता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिक का यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर। अब इसके मुझसे रेट मत पूछिएगा, क्योंकि मैं बेच नहीं रहा, नहीं मैं टूल्स बेच रहा हूँ, ऐसे मैं बता रहा हूँ। डी सोल्डर वायर, ताकि हम जब आईसी निकाले तो उसको क्लीन कर सकें। यहाँ पर एक जीएसएम सोर्स की एक स्टेंसिल, ईएसडी प्रोटेक्शन आपका ईएसडी प्रोटेक्टेड आपका ट्विजर, एक बैंड ट्विजर और एक सिंपल एक रोजिंग यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट की तरह, पीबीडी पेस्ट मैकेनिक का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और मैं अपनी जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ SMD, वो क्विक 857DW+ है, और जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ DC मशीन, वो फोंगकॉन्ग की है। और तो यही सारी चीज़ें, माइक्रोस्कोप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मिडास का है। सो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको नॉलेज रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे टेक्नीशियन वीडियो बनाते हैं, कभी भी नहीं बताते कि वो कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम वही काम जब करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे नहीं हो पाता है। रीज़न बहुत बड़ा टूल्स का होता है दोस्तों, जितने अच्छे क्वालिटी के टूल्स होंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। आईसी को तो पीसीबी को हमने लगा दिया है, यहां हम आपको आईसी दिखाना चाहते हैं। देखिए ये वो आईसी है जिसको मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरी ईएमएमसी है। मैं हीट जो है अपनी वो मैं रखूंगा यहाँ पर, आप 350 से 400 हीट पे रख सकते हैं। ओके, तो मैंने हीट कर दी अपनी बेसिकली 375, और एयर मैंने यहाँ पर रखी। निकालते समय मैं एयर को एक दो पर रख सकता हूँ, तो मैंने एयर को दो पर रखा हुआ है। जब मैं लगाऊंगा, अगर मान लो मैं आईसी लगाता तो जीरो पर रखता। जनरली ज्यादातर लोग ऊपर देते हैं, हमको आईसीयू के अंदर तक देना है, तो मैं आईसीयू के बाहर साइड जहाँ उनके किनारे होते हैं वहां पर हमको पहुंचाना है। ऊपर देके ऊपर भी देना है, क्योंकि हीट देते हैं ऊपर हम, नहीं तो आईसी से चटक से आवाज आ सकती है।
एकदम से बिल्कुल भी ऐसी नहीं पकड़नी है, थोड़ा आपको शुरू में 10, 20, 30 बार राउंड आप चला लीजिएगा, उसके बाद आसानी हो जाती है, ऐसी बहुत आसानी से निकल आती है। ऐसे वो कभी पुल अप मत कीजिए, हमेशा उसको थोड़ा सा हल्का सा हिलाइए, ये देखिए आईसी निकल चुकी है हमारी। यहाँ पर और ये है BJ153 जो EMC है हमारा, मेन हमारा EMC है क्योंकि हमें डाटा बचाना है अपना कस्टमर का। तो मेन हमारा EMC है, मेन हमारा डाटा बच जाए तो वही हमारा मेन काम है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने देखा कि अब हमने इसको निकाल लिया है, अब क्योंकि हमें इसको UFI में भी यूज करना है इसलिए हम इसको रिवॉल्व करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कनेक्ट हो। अगर JTAG में हम कर रहे हैं तो हम विदाउट रिवॉल्व भी कर सकते हैं, बट अगर आप रिवॉल्व कर लें दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसको रिवॉल्व करते हैं IC को। रिवॉल्विंग में ध्यान रखिएगा कि ICO के बॉल ना निकले, जनरली जो पेस्टेड IC होती है वो निकालने पर उसका पेस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि ये पेस्टेड नहीं है इसलिए इसको आसानी से रिवॉल्व किया जा सकता है। और यूनिवर्सल में आपको बता दूं कि BGA के जो बॉल होते हैं उनका सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि BGA के बॉलों का जो साइज होता है वो जो बॉलों का साइज होता है वो 0.15 होता है, और जो हमारे नॉर्मली EMC जो हमारे नॉर्मली CPU और पावर IC होती है उनका जो साइज होता है वो 0.15 होता है, 0.12 होता है। तो बेसिकली यही एक रीज़न है कि बॉल मैच नहीं कर पाते, क्योंकि बॉलों का साइज भी बहुत बड़ा मैटर करता है।
ये बॉल क्लीन हो चुकी है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको रिबॉल करना। रिबॉलिंग भी एक मास्टर ग्री है, मतलब रिबॉलिंग भी एक मास्टर पीस चीज है। सही तरीके से रिबॉल नहीं करेंगे तो आपका काम काफी फैलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये रिबॉल हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। आईसी हमारी यहाँ पर, तो इसको हमने क्लीन कर लिया है और इसका पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर पे और इसको लगाते हैं JTAG और UEFI के साथ में, और देखते हैं कि हम इससे डाटा निकाल पाते हैं कि नहीं, और डाटा निकलता है कि नहीं, और कैसे निकलता है, क्या सेटिंग है इसकी डाटा निकालने की। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने कैमरे के पास, और सबसे पहले मैं आपको आईसी दिखा दूं अपनी। तो ये देखिए, ये मेरी आईसी है, ये है BGA 153। और चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे हमारे JTAG में। तो चलिए इसका ये हमारा बॉक्स है JTAG का, मैं ये अडेप्टर है हमारा, और जिधर आपकी कौन कौन सी आईसी कनेक्ट होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा, तो यहाँ लिखा हुआ है 529, यहाँ लिखा हुआ है 221, यहाँ लिखा हुआ 153। तो हम 153 कनेक्ट करेंगे, और बेसिकली सबसे पहले हम आईसी को उधर रख लेते हैं। तो आईसी को आपको इसके अंदर रखना होगा, तो आपको यहाँ पे एक नोज कट पॉइंट देखना होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो ये देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। आपको करना क्या है, आपका आईसी का जो नोज कट पॉइंट है आपको उसको उस एरो के हिसाब से लगाना है। तो इस आईसी में आपको यहाँ पे एक नोज कट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो आपको इस आईसी को इस बॉक्स में लगाना है। चलिए तो इस बॉक्स को लगाते हैं इस आईसी में। तो इस आईसी को इस बॉक्स में लगाते हैं। तो देखिए हमने इस आईसी को इसमें रख लिया है, और जो नोज कट पॉइंट है यहाँ के साथ मैच कर लिया है। अब हम एडाप्टर को बंद कर रहे हैं और
सही तरीके से उसके कनेक्टर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे लिखा हुआ है BGA 153। देखिए सो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके साथ हम बॉक्स के साथ जोड़ेंगे। चलिए आप इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, इधर ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जब ये हम कनेक्ट करेंगे तो ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ से चेक EMC, आप थोड़ा इसको नोटिस कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको मैं इंटरफेस भी दिखा दूँ। मैं एक बार चेक EMC करता हूँ सॉकेट के साथ। तो देखिए ग्रीन लाइट जल गई, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। तो चलिए आ जाते हैं इंटरफेस में। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करूँगा JTAG प्लस। तो ये मेरा JTAG प्लस है, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके, इतना डीपली मैं कोई भी एक वीडियो नहीं डाला होगा, और डाला होगा तो इस तरीके से समझाया होगा ये मुझे नहीं पता। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आए। और अगर आप के पास में UEFI और JTAG है तो आप कम से कम सही तरीके से डाटा को रिकवर कर सकें। देखिए मैंने सबसे पहला प्रोसेस पहला प्रोसेस क्या किया, अपना मोबाइल खोला, EMC निकाला, उसको रिवॉल्व किया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं देता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरे पास आके सीखना है तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा 10 दिन, 8-10 घंटे की लगातार क्लासेस हैं यहाँ पर। कोई भी कॉपी किताब पेन नहीं लाना है, सब कुछ प्रैक्टिकली है। आपको CPU निकालना, लगाना, पेस्टेड, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। JTAG UEFI टोटल इंटरफेस, आप खुद काम कीजिए हमारे सामने, अपने EMC से रिलेटेड जितने भी डेड मोबाइल हैं आप लेकर आइए। कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे आपसे ही चालू करवाएं। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर इजी सॉकेट करता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज इन्हें डिसेबल कर दिया है क्योंकि ये अपना ऑटो वोल्टेज लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ISP पिनआउट कनेक्ट करता तो मैं शायद यहाँ पर वोल्टेज को लेना पड़ता। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आप देखें मैंने ली हुई है, ये फ्रिक्वेंसी अगर मान लीजिए इस पर कनेक्ट नहीं होता तो मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता था या फ्रिक्वेंसी घटा सकता था। और इसका जो बस बिट लिया है वो 8-bit लिया है। अच्छा, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए तो ये कनेक्ट हो चुका है। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो मेरा ब्रांड है STC है, और जो मेरा IC लगा हुआ है वो MSM8916 लगा हुआ है, और फर्मवेयर डेट है, और इसमें तो सारी चीज़ है इसमें। आप देख जैसे कि पार्टीशन भी आपको शो हो रहा है और इसमें फर्मवेयर भी शो हो रहा है। तो ये फ़ोन में EMC फॉल्ट नहीं था, जैसे कि मैंने बताया ये टोड़ा हुआ, मतलब जानबूझ के ये फेंक कर तोड़ा है फ़ोन। हालांकि अब कस्टमर को डाटा चाहिए जो कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अब अगर आपको JTAG से डाटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सा उसको नोटिस कीजिए। सो आप यहाँ पे जाएंगे एक्सप्लोजर में, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लोजर में जाना होगा। और एक्सप्लोजर में जाने के बाद आप वापस यहाँ पे स्कैन पार्टीशन करेंगे। पहले आप बेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, तो बेंडर हमारा है कॉलकॉम, और उसके बाद स्कैन पार्टीशन पर टिक करेंगे, और आपको फ्रॉम डिवाइस पे करना है। तो जैसे आप यहाँ पे स्कैन पार्टीशन करेंगे फ्रॉम डिवाइस, तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ फाइलें ओपन हो जाएंगी। अब आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं अपना। और जैसे कि सपोज आपको यहाँ जाना है तो मीडिया के अंदर, जैसे हम देखिए मैं मीडिया के अंदर जाता हूँ, और इसकी फाइल अगर मुझे निकालनी है तो मैं डायरेक्ट तरीका भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये आपका खुल जाता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिस्टम उन्होंने खोल के दे दिया है यहाँ पर, और जो हमारा डाटा रहता है वो हमारा यूज़र डाटा में रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम यूज़र डाटा पर जाएंगे, और यूज़र डाटा पर जाने पर हम इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें कहाँ से वो दिखाई देगा डाटा। आपको मैं आपको उसके अंदर के 2-3 तरीके बताऊंगा कि डाटा को आपको देखने के लिए क्या क्या तरीके आपको देखने पड़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले गए डाटा पर, और डाटा के पास जाने पर हम गए मीडिया पर, और मीडिया के पास आपके पास एक फोल्डर आ रहा है 0 करके, आपको इसको डबल टिक करना है। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर आपको DCIM का फोल्डर मिल गया है, आप इसको डबल टिक कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये फोटोज़ आ गई हैं मेरे फ्रेंड की। सो मैं इस फोटो को पर्सनली भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे देखिए मैं एक्सपोर्ट पे टिक किया और मैं यहाँ जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ और एक मेक न्यू फोल्डर कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ STC1 और करके मैं ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पर
मैं फिर से उसको एक बार वन टाइम करूँगा, तो एस टी सी वन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं फोल्डर सिलेक्ट नहीं किया था। अब देखिए एस टी सी वन और फोल्डर को सिलेक्ट किया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो देखिए ये ऑल डन हो चुका है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और अपने दोस्त की फ़ोटो को यहाँ पर देखूँगा, जो भी उसकी फ़ोटोज़ होंगी उसमें से एक डाटा हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए एक फ़ोटो यहाँ पर आ गई है, मैं पूरा डाटा आपको दिखा नहीं सकता। देखिए ये मेरा फ्रेंड है, ये ही इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय वेरी क्लोज फ्रेंड और काफ़ी मोटिवेट मैं इनसे होता हूँ। इनका नाम अभिषेक पगारे है और इनके आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा क्लो आपको डिटेलिंग नहीं कर सकता। एंड बहुत अचीवर है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी मैं इनके साथ रहता हूँ। तो हमेशा आप अपने साथ कुछ ऐसा एक फ्रेंड रखिए दोस्तों, जिससे आप सीख सकें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सो अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से ये डाटा निकल गया है। सो आप ऐसे ही डाटा निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीके हैं उसको डाटा निकालने के लिए, तो जैसे यहाँ पर, तो बाकी आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर डाटा निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये जो एच एल है इसको टिक करना है और आपको यहाँ से देखिए डायरेक्ट डी सी आई एम पे आप टिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट डी सी आई एम पर आप यहाँ से आप जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप मैसेज भी निकाल सकते हैं और मैं सारी चीज़ यहाँ से निकाल के दे सकता हूँ। मैं यहाँ से अभी दिखाने नहीं वाला हूँ, हालांकि आप इसको टिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट आपको निकाल के दे देगा, ये मैसेज निकाल के दे देगा, तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल कर दे देगा। सो ये तो रहा हमने निकाला जेटेक के साथ, अब हम यही चीज़ करेंगे यूएफआई के साथ। सो अब हम यही चीज़ यूएफआई के साथ करेंगे, स्टे रहिए। देखिए अब यही चीज़ हम यहाँ पर UFI बॉक्स के साथ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं बाद में इनका डाटा निकाल के इनको पर्सनली दे दूंगा। और अब मैं JTAG से मैं केबल निकाल लेता हूँ और मैं केबल लगा लेता हूँ UFI में। सो UFI बॉक्स में मैं केबल निकाल लगा लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से मैं UFI EMMC का जो टूल है इसको ओपन करूँगा। चलिए तो UFI EMMC का जो टूल है वो ओपन हो चुका है और इसका ये जो अडेप्टर है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसमें यहाँ पे दो ICO का आपको दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 153 और एक दिया हुआ है 162। और 153 में जैसे कि दो ICO आते हैं, आपको पता है BGA 153 एंड 169, और एक आती है 162 और 186। तो हम बात कर रहे हैं इनकी पूरी जो डिटेलिंग है क्या होती है, बीजे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास में काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं जो ऑनलाइन EMC सीख कर आते हैं, फिर बाद में वो हमसे पूछते हैं सर बीजे का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारी डिटेलिंग जो उनको नहीं बताई जाती है। कई बार वो एरर्स नहीं बताए जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा उनको बता दिया जाता है उसके बाद फिर उनको बैकअप ऑनलाइन जो सपोर्ट के लिए उनको उनसे काफ़ी हैवी पैसे उनको चार्ज करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम आपको बैकअप देंगे, पर बैकअप का 50-100 रुपये वो उनसे चार्ज करते रहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन है, आप एक बार में सीखिए तो आपको बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे नोज कट पॉइंट है, तो आपको करना क्या है कि इसका जो नोज कट पॉइंट है वो लगा देना, ये देखिए लग गया है, और ये आपको लॉक कर देना है। अब ये आपको लगाना है तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी EMMC करता हूँ, तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ लाइट जल चुकी है। हमेशा नोटिस करें यहाँ पर, कई बार अडेप्टर में ICO सही तरीके से नहीं लग पाती हैं तो नोटिस कीजिए। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे अगर ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करते हैं सीखते हैं, आप देखे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू डाला जाता है, उनको सक्सेस काम दिखाया जाता है। और देखिए तो यहाँ पर मेरा IC कनेक्ट हो चुका है, अब बताऊँगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे डाटा कस्टमर का। तो यहाँ पर हम डिटेलिंग दे सकते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम आ रहा है यहाँ पर। अगर हम पार्टीशन में जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए हमें पार्टीशन से यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप स्पेशल टास्क में जाकर आप यहाँ से FRP ये सारी चीज़ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यूज़र पार्टीशन पर जाना है। आप थोड़ा नोटिस कीजिए ये यूज़र पार्टीशन पर, उसके बाद में आपको यूज़र पार्टीशन में, क्योंकि हमारा जो डाटा होता है वो यूज़र डाटा के अंदर होता है, तो यूज़र डाटा के अंदर आपको जाना है। देखिए यूज़र डाटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस यूज़र डाटा में सबसे जो आखिरी में यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा data/data, आपको इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको तीन एक आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे आपको इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेम चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले आप मीडिया पर सेलेक्ट कीजिए,
तो ये याद रख लीजिए या कहीं लिख लीजिएगा। मीडिया पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, मीडिया पे सिलेक्ट करने के बाद फिर ये यहाँ पर सेम फोल्डर बन जाता है जीरो। आप जीरो फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद देखिए DCIM फोल्डर बन जाएगा आपके पास और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये फोटोज। तो पर्सनली एक फोटोज को मैं क्लिक करता हूँ किसी भी रैंडमली और उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस फोटो को टिक किया और सेव टू करूंगा, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट टू करूंगा तो ये पूरा डाटा निकाल के दे देगा और इसको मैं वहीं पे STC1 में जाकर इसको डालता हूँ। सो यहाँ पर ये जो मेरा है STC1 और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि ये डाटा निकाल दिया है कि नहीं निकाल दिया है। तो देखिए एक फोटो और आ चुकी है यहाँ पर और ये मेरे फ्रेंड की एक और फोटो आपको यहाँ पर नोटिस हो रही होगी। चलिए हम यहाँ से कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, हम यहाँ से व्हाट्सएप का चैटिंग निकाल सकते हैं, उसके वीडियो निकाल सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप पे आपको दिख रहा होगा। सो जो भी पिक्चर्स है आप कस्टमर का सारा डाटा भी इंटरनल मेमोरी में उसका डाटा है, हम उसका डाटा निकाल के दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आप जैसे कि मैं PCB भी दिखा देता हूँ अपनी, देखिए ये मेरे फ्रेंड की मोबाइल की PCB है जैसे कि आपने देखा यहाँ पर। तो हम इसको वापस यहाँ इसमें इसका IC का निकाल कर इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से मैंने दोनों बॉक्स से डाटा निकाल के आपको दिखाया और परफेक्टली हमने यहाँ पर काम किया, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से दिखाया। हमने फ़ोन खोले, उनको निकाला, IC को क्लीन किया, उसको रिवॉल्व किया और उसके बाद हमने इन दोनों बॉक्स का यूज़ करके डाटा निकाल के दिखाया। अगर आपको इन दोनों बॉक्स का काम सीखना है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमें 5 और 15 तारीख का हमारा बैच लगता है हर महीने का, और क्योंकि जो हमारा 26 तारीख का बैच होता है वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बच्चों के लिए ही यूज़ हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है वो। और सही तरीके से सीखिए और सामने सीखिए, सामने बैठ के सीखेंगे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं वो हमें समझ में आते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में चलता है हमसे उतना पूछते हैं। कई बार हमारे साथी अगर मान लीजिए काफ़ी मिलते हैं और साथ में बैठते हैं तो वो भी पूछने में अगर उनका भी दिमाग रहता है, उनके भी 4 सवाल एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनसे ज्ञान मिल जाता है। दोस्तों ऑनलाइन में बुरा नहीं है ऑनलाइन में, बट ऑनलाइन में सर्वर के दिक्कत होते हैं। आप देखते हैं कि कहीं भी सपोर्ट कितना मिल पा रहा है आपको। लाइफ टाइम सपोर्ट सभी देते हैं, मैं समझता हूँ लाइफ टाइम सपोर्ट होता है वो चीज़ जिसमें हमें नॉलेज हो और हम अपना काम कर सकें। हम अपने स्टूडेंट को टीम व्यूवर में आके भी सपोर्ट करते हैं और हमारा एक तरीका है दोस्तों, पर हम सपोर्ट करने का पैसा नहीं लेते हैं। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट के बहाने 50-50 रुपये 100-100 रुपये उनको पैसा ले रहे हैं। सो दोस्तों ये तो गलत बात है। उसमें भी एक मेरा स्टूडेंट आया था नेपाल से, वो बताता था कि सर मेरे को EMC सीख के आऊँ पर उसके बाद काम नहीं कर पा रहा, पर उसके बाद उनको BGA भी नहीं पता कि BGA क्या होती है। फिर वो मेरे पास फिर आके EMC सीखा तो उसने बताया कि सर मैं कोई भी EMC में फंस जाता था तो वो सामने वाला आता था और कुछ और वो खुद ब खुद करता रहता था और ये भी नहीं बताता था कि क्या कर रहा है। क्योंकि अगर वो बता देगा दोस्तों, अगर ये लोग पूरा काम आपको बता देंगे तो इनका 50 रुपये वाला सपोर्ट छिन जाएगा। आप क्यों नहीं समझते, तो ये इनका धंधा बंद हो जाएगा। मेन बात ये है। सो आई होप कि आप समझ गए हो। और अगर आपको इन दोनों बॉक्स के साथ बेहतर तरीके से काम सीखना है, प्रैक्टिकल रिव्यू के साथ अपने फ़ोन को चालू करके जाना है, सो आप ACERDATA को ज्वाइन कीजिए और उसके साथ अपना भविष्य, अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 40-50 हज़ार रुपये कमाइए, ये तो आपका स्किल है। आप कमाएं, आप कितना भी कमा सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, ये तो आपका स्किल। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, देते रहिए ACERDATA। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंडिया का नंबर 1 शूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 शूट कौन है? आवाज नहीं आई। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? आपको फॉल्ट फाइंडिंग आ जाएगी यहाँ पर? चलिए ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? जितना सोच के आया था उतने 2-10 गुना भी बहुत ना कम है। अच्छा अच्छा, आप बिना सर्किट डायग्राम के मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं? बिना सर्किट डायग्राम को ट्रेस कर सकते हैं।
क्या बात है, थैंक यू। आप सेटिस्फाई कि नहीं है? फुल सेटिस्फाई है। चलो थैंक यू वेरी मच। बना देता हूँ, अगर मैं आपको लाइट सेक्शन दूँ कि मैं बोलूँ कि इसको ट्रेस करो, क्या आपको डायग्राम चाहिए होगा? नहीं नहीं कर सकते हैं आप मेरा डायग्राम, कैसा मतलब आप सेटिस्फाई हैं? आपसे डायग्राम की बात करूँ तो आप क्या डायग्राम का नॉलेज रखते हैं यहाँ पर? नॉलेज यहाँ आके मिला मेरे को। यहाँ पर अगर मैं किसी आईफोन का बोलूँ या पीबी की बात करूँ या किसी डोंगल की बात करूँ या तो फिर बिना डायग्राम के, क्या हम ट्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने जब यहाँ पर आए तो आपने सीट कंफर्म करने के लिए कितना समय लग गया? तीन महीना पहले बुक किया। आपने जब यहाँ पर आया पहला दिन जब आप रुके तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि सिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था? पहला चल रहा था जब आप आए थे। हाँ जी हाँ जी, तो देखा अभी अभी तो पूरा आ रहा है, अभी पूरा आ रहा है, मतलब अभी आपको आप फ्रेशर हो ना, एज अ कॉन्फिडेंस मैं सच बताऊँ कि एज अ फ्रेशर ये इतना अच्छे आउटपुट देते हैं। नेपाल से, और अभी आप प्रॉफिट आ रहे थे सर, मैं नेपाल में प्रॉफिट रहता हूँ, दूर गया नेपाल में रखे हैं, तो एक मिनट हम आपसे क्या पूछना चाहेंगे कि जैसे आप दूर से आए तो अभी वहाँ से जो चीज़ें आप उम्मीद लेके आए, जो वीडियो में देखा था आपने, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे ये इशू बहुत अच्छा है सर, आप नेपाल में जितने भी लोग हैं अगर मोबाइल का कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार एशिया टेलीकॉम का यूट्यूब में जरूर देखें, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इनकी फीस भी बहुत कम है, सारी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी सब कुछ है। मेरे हिसाब से जो मोबाइल कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पर आके लगा कि नहीं, रियल में यहाँ पर अप्लाई होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है आपके, और जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता वो चीज़ आप बार बार सर से पूछ सकते हैं। हॉस्टल में भी क्लास होता है, मतलब यहाँ पे आपको कॉपी पेन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल होता बहुत अच्छा स्टूडेंट सर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे कॉपी पेन लाना नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल होता है और ये कोई भी कॉपी पेन लेके आपके माइंड में इतना कुछ चलता है ना, आपको कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, मतलब आपके माइंड में सब कुछ फिट करके लॉक कर दिया जाता है ना कि आपको कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। आप लोग आइए यहाँ पे, मेरे नेपाल में जितने भी भाई लोग अगर करना चाहते हैं मोबाइल का कोर्स तो एक बार आप एशिया टेलीकॉम में जरूर आइए। सही, जो नॉलेज पूरा चाहिए था ना वो तो पूरे को मिल गया, मैंने भी बताया भी है फर्स्ट टाइम, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं मराठी मध्ये सांगतो, जो नहीं पण येणार आहे त्यांनी बिंदास बोलू जातो किंवा मनापूर्वक येऊन एशिया टेलीकॉममध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता। ॲडमिशन घ्यायसाठी कमीत कमी 3 महिने ॲडव्हान्स बुकिंग करावं लागेल कॅनडामध्ये। अच्छा, आप टेलीफोन को चुना तो अभी आपके मन में क्या है, जैसे आपने अभी हार्डवेयर की क्लास खत्म की, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे? सर पहले की तुलना में सर कॉन्फिडेंस लेवल 100% और बढ़ गया है मेरा, क्योंकि पहले क्या है कि सिर्फ जनरली हवा में ही काम करते थे, अब यहाँ पे आने सीखने के बाद हमको सब चीज़ों का जो गहराई से नॉलेज हुआ है तो बिल्कुल टेक के साथ हम काम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों जैसा कि होता है कि अभी तक अगर हम जो टेक्नीशियन होते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल जानते तो हैं कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, कलर से भी जानते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्क क्या है कि सिस्टम में क्या लगा होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी जानकारी हुआ में हम अनुमानित काम करते रह जाते हैं। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें की है सर, सब इसका क्या काम है ये पूरा आपको दिया गया है, आई सी यू तक का नॉलेज आपको दे दिया गया है कि कौन सा सेक्शन कहाँ गया होगा, किस आई सी में गया होगा, सेक्शन वाइज सेक्शन में कौन से कंपनी लगे रहेंगे, क्या काम करेंगे, ये सारे पूरा नॉलेज आपको दे दिया गया है। अगर वो नहीं होंगे तो क्या पॉइंट है, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो ट्रिक दी गई आईसी रिवॉल्विंग की वो आपको समझ में आई? बिल्कुल, अब आप कोई भी मोबाइल की आईसी निकाल के लगा के या फिर आईसी हम बात करते हैं आइडेंटिफाई करने, कई बार दोस्तों कुछ लोग होता है कि वो आईसी निकाल के लगा भी लेते हैं, लेकिन आईसी को आइडेंटिफाई करना कौन सी आईसी होगी, उसमें कौन कौन सी आईसी है उसके साथ में होंगी, पावर आईसी ऑल इन वन में क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें अपनी क्या नंबर होगा किससे स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सी आईसी होगी, कौन से सेट मतलब कौन सी सीपीयू के साथ में कौन सी आईसी लगी होगी, ये सब बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप सेटिस्फाई है? 100% थैंक यू। तो हम यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम सर राहुल है। कहाँ से हो? सर मैं आगरा से। आगरा से। तो राहुल एक बात, आप इतनी दूर से आए हो, तो अभी आप जो सोच के आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूट्यूब में देख के आए थे, तो वो जो देख के आए थे वो चीज़ आपको यहाँ पे मिली या फिर सिर्फ सर? उससे कई ज़्यादा मिला सर। मिला मुझे कई ज़्यादा मिला जो सोच के आया था सर, मुझसे बहुत ज़्यादा मिल गया सर मुझे। तो ये बताओ आप, हम ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे दोस्तों, समय हम ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, सर मैं अन्य प्रधान सबको ये बोलूँगा कि इंडिया का नंबर इशू ओनली एसी टेलीकॉम है और कोई नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब स्टूडेंट दिल से बोले, अभी हम बुलवा तो नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, सब दिल से बोला सर। तो एक बार हो ही जाए क्यों? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो करके बना रहा था, अच्छा नंबर बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो
पूछो, छह महीने सात महीने साल में नहीं सिखा पाते, वो चार दो दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कहेंगे नहीं बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और जो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Maxim 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008-35 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.